वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, राइट? आज उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन लेक्चर वन। जैसे ही लेक्चर वन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है वो, एंड उसके बाद हम सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड उसके मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर प्योरली बेस्ड होगा प्रैक्टिस के लिए, मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ओके, तो आज के लेक्चर में जितनी भी चीजें होंगी उसको करने के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, वो वर्कशीट आप लोगों को ट्राई करनी। ठीक है जी, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वर्कशीट। वो वर्कशीट में काफी सारे क्वेश्चंस गिवन है, काफी सारी वैरायटी गिवन है। इनफैक्ट उसको करने के बाद यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस इन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, राइट? तो चलो जी स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, tan 3 थीटा बाय 4 इज इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है जी, अब tan 3 थीटा बाय 4 रूट 3 है, तो यहां पे भी मुझे tan की कोई टर्म चाहिए कि tan कब रूट 3 बनता है। तो आपके सामने है tan रूट 3 बनता है tan 60 डिग्री। ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने रूट 3 को लिखा tan 60 डिग्री, राइट? अब ये कौन सी फॉर्मेशन बन गई, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, और इसका आंसर क्या होता है जी, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan, राइट? तो हम इसको अप्लाई करते हैं। अब यहां पे थीटा की जगह है कौन, 3 थीटा बाय 4, तो 3 थीटा बाय 4 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की जगह कौन प्रेजेंट है, 60। 60 को इन टर्म्स ऑफ रेडियस आई कैन राइट इट एज पाई बाय 3। ठीक है, अब 4 को इधर ले जाओ, 3 को डिवाइड में, 4 अपॉन 3 n पाई प्लस पाई बाय 3, इसको ओपन करो, थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पाई n पाई प्लस 4 पाई अपॉन 9। लो जी, इसको बोलते हैं हमारा जनरल सॉल्यूशन। राइट, अब एक क्वेश्चन आता है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हैं, लेट्स से मैं n को 1 अज्यूम करता हूं। ठीक है, थीटा कितना आया मेरे पास, 4 पाई अपॉन 3 प्लस 4 पाई अपॉन 9, कितना बना, एलसीएम लो 9, 16 पाई बाय 9, राइट? इसको कन्वर्ट करके जरा डिग्रीज में कितना होता है, ये 1 के हमारा 320 डिग्री। ओके जी, ठीक है, अब एक बार इनको जीरो फिल करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 9, डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई। लो जी आंसर आया 80 डिग्री। ठीक है जी, अब ऐसे इसी तरीके से मैं आगे भी फाइंड कर सकता हूं, n माइनस 1 के लिए, 2 के लिए, माइनस 2 के लिए, एंड सो ऑन। अब n इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए चेक करते हैं, देखो जरा, अगर मैंने माइनस 1 फिल किया तो थीटा कितना आएगा, माइनस 4 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 9, विच कम्स आउट टू बी माइनस 8 पाई अपॉन 9, मतलब नेगेटिव में आएगा कुछ आंसर। ठीक है, अब प्रिंसिपल पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वो सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आए। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव में हो और सबसे छोटी वैल्यू हो, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव में हो प्लस वो सबसे छोटी वैल्यू हो इन सारे सॉल्यूशंस में, लेकिन पॉजिटिव में। तो देखो मैंने वही किया, मैंने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया, मेरे पास आंसर आया 320, n 0 पे चेक किया आंसर आया 80, n माइनस 1 पे चेक किया तो आंसर आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव को तो डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हमारे लिए जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा दैट शुड बी पॉजिटिव। अब n 0 के लिए 80 डिग्री, n 1 के लिए 320, दोनों में से छोटा कौन है, 80 डिग्री, तो दैट मींस हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन होगा, 80 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इनकी वैल्यूज बढ़ाता जाऊंगा पॉजिटिव में तो ये आंसर बढ़ता जाएगा,
और अगर मैं घटाता जाऊंगा इनकी वैल्यूज तो नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इज माय प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, हमें मेनली चाहिए होता है जनरल सॉल्यूशन। पर हाँ, कई कई केसेस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। आई रिपीट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब है मिनिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन दैट शुड बी इन पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पहले पार्ट का आंसर। चलो जी, कंटिन्यू करते हैं आगे इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू, साइन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। लो जी, अब देखो साइन के अंदर मुझे माइनस हाफ चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं जरा, माइनस हाफ। अब हाफ हमें पता है साइन कहां होता है, 30 डिग्री पे, वी नो दैट। अब इसको जरा ट्राई करते हैं, 30 डिग्री यहां कहीं होगा, लेकिन मुझे साइन के अंदर नेगेटिव चाहिए। तो यहां तो साइन पॉजिटिव है, यहां भी साइन पॉजिटिव है, तो ये दो तो गए, दो एरियाज बचे, यहां तो यहां पे आ सकता है साइन या फिर यहां पे, तभी साइन नेगेटिव बनेगा, राइट। अब साइन के अंदर माइनस हाफ कब हो सकता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बताया था बहुत आसान है, जो भी एंगल होता है पॉजिटिव में, जैसे 30 डिग्री आया साइन थीटा, जैसे ही पॉजिटिव में 30 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए नेगेटिव कर दो, मतलब माइनस 30। यहां पे हम पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वी कैन राइट माइनस हाफ एज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, मतलब माइनस 30 डिग्री। ठीक है जी, तो अब मैंने ये दोनों चीजें इक्वेट करा दी। ओके, अब दिस इज कंसीडर्ड एज माई थीटा एंड दिस इज कंसीडर्ड एज माई अल्फा। ओके, तो इसमें सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता था, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1^n इनटू अल्फा, फॉर व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, राइट। अब इसको करते हैं, थीटा कितना है मेरे पास, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1^n अल्फा माइनस पाई बाय 6, राइट। अब माइनस 3 को उधर ले जाते हैं, एन पाई प्लस 3 माइनस माइनस एन की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 की पावर एन प्लस 1, साथ में पाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, एन पाई बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस माइनस 1^n प्लस 1 पाई बाय 12। लो जी, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगर मुझसे इसमें कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ ले, तो मैं 2-3 वैल्यूज पे चेक कर लूंगा, एक बार n को 0, एक बार 1, एक बार -1, पता लग जाएगा पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, जो भी होगी दैट विल बी माय प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये नेगेटिव वाली चीज का ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मुझे साइन के अंदर माइनस हाफ चाहिए। साइन के अंदर माइनस हाफ या तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा या तो फोर्थ में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए बस एक बार 1/2 में देखो कि साइन 1/2 कब होता है, वो होता है 30 डिग्री पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए उसका नेगेटिव कर दो, वो चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करो, जो भी एंगल होगा उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल रीच इन द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो ये हो गए हमारे दो टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन टू थीटा प्लस टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारा टारगेट होता है यहां पे कि एक ही लेवल का आंसर हो, एक ही लेवल का आंसर मतलब जो एंगल हो हमारे पास एक जैसा हो, जैसे यहां पे 2 थीटा है, यहां पे थीटा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। या तो इसको थीटा में लेके आओ या इसको 2 थीटा में लेके आओ, दोनों में से एक चीज। ठीक है, तो साइन 2 थीटा बहुत आराम से हमें फॉर्मूला याद है क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने 2 थीटा को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। लो जी, याद पहुंचो, मतलब अब सारा क्वेश्चन थीटा में आ चुका है, अब सॉल्व करना आसान है। दोनों में कॉमन निकाल लो कॉस थीटा, साथ में क्या बचा, 2 साइन थीटा प्लस 1। अब इसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
अब या तो यहां पे cos थीटा इक्वल टू जीरो होगा, पहली चीज, या तो बाहर वाली चीज इक्वल टू जीरो या फिर ये वाली चीज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। दो आंसर्स बन रहे हैं, या तो cos थीटा जीरो या तो 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू जीरो है तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो हमें याद है, क्या होता था, थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, राइट। ये तो बहुत आसान था, बहुत बेसिक सॉल्यूशन था जो हमने पढ़ा था, sin थीटा जीरो, cos थीटा जीरो, tan थीटा जीरो। अब सेकंड वन, अगर 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो है तो 2 sin थीटा किसके इक्वल आया, माइनस 1, और sin थीटा किसके इक्वल आया, माइनस 1 बाय 2। लो जी, sin थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2, अब तो ऑलमोस्ट याद हो चुका है, ये होता है sin थीटा इज इक्वल्स टू sin माइनस पाई बाय 6, ठीक है जी। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, व्हिच इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n into alpha, alpha is minus pi by 6. Lo ji, this is my this answer and this one. तो इस question के basically मेरे पास दो answers आए हैं, या तो theta हो सकते हैं 2n plus 1 pi by 2, second answer possible है n pi plus minus 1 raised to power n into minus pi by 6. तो अब हमारे पास एक से दो answers बढ़ने शुरू हो चुके, क्लियर हुआ जी, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो हम, अब पहले तो सिंपल सिंपल इक्वेट करवा रहे थे, अब हमारे पास बढ़ने लगी है क्वांटिटी क्वेश्चंस की, कैसे, हमारे पास दो तरह की वैल्यूज इक्वल टू जीरो है, या तो ये या तो ये। अब अगर ये इक्वल टू जीरो है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है जी। तो दो टाइप ऑफ आंसर्स पॉसिबल है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के, क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, साइन थ्री थीटा प्लस कॉस टू थीटा। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी यहां पे, यहां पे तो हमने साइन टू थीटा को लिख दिया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन आ गया था। अब यहां पे है साइन थ्री थीटा एंड कॉस टू थीटा, तो थ्री थीटा ना तो टू थीटा में जा सकते हैं ना टू थीटा थ्री में जा सकते हैं, तो सोचने की कोशिश करो इसको टैकल कैसे करो। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा। अब इसके लिए आपको एक सेकंड मेथड बताऊंगा, जैसे इसमें तो हमने 2 थीटा को थीटास में कन्वर्ट किया, वो था हमारे पास मेथड 1 कि जब हमने एक डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया। यहां पे हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा मेथड, मेथड 2, वो क्या होता है कि जब हमारे पास कन्वर्जन ना हो, जैसे 3 थीटा से 2 थीटा और 2 से 3 थीटा में जाने की कोई कन्वर्जन नहीं है हमारे पास, हम 3 थीटा से थीटा में जा सकते हैं, 2 थीटा से थीटा में जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हम इसमें काम क्या करेंगे, हम सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या तो इन टर्म्स ऑफ साइन या तो इन टर्म्स ऑफ कॉस। आई रिपीट, अब मैं मेथड 2 ट्राई कर रहा हूं, मेथड 2 में हमारा मेन फोकस होगा या तो दोनों को साइन में लेके जाओ या तो दोनों को कॉस में। अब मैं क्या करता हूं, अब हम एक काम करते हैं, साइन 3 थीटा को उधर ले जाते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। अब हमें एक चीज याद है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता था कॉस थीटा, मतलब अब मुझे अगर साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं तो मुझे 90 की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ इस माइनस का भी ध्यान रखना है, ये माइनस पे एडजस्ट करवाना है किसी तरीके से। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो मैं इन दोनों की हेल्प नहीं ले पाऊंगा, क्यों नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि माइनस साइन एडजस्ट नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये होता था हमारे पास cos थीटा, यहां पे भी माइनस एडजस्ट नहीं होगा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा दिस इज एक्चुअली माइनस sin थीटा, राइट। तो माइनस sin 3 थीटा को, माइनस sin 3 थीटा को आई कैन राइट cos ऑफ 90 प्लस 3 थीटा, तो मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू, इस चीज को आई कैन राइट cos ऑफ 90 प्लस 3 थीटा। ये देखो जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने cos साइन को कॉस में चेंज करना है तो मुझे 90 की हेल्प लेनी पड़ेगी, और माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए 90 प्लस थीटा की हेल्प लेनी जरूरी है, ठीक है जी। लो जी, माइनस साइन पे एडजस्ट हो चुका है अब हमारे पास, अब ये बन गया कॉस ऑफ थीटा, इसको अगर मैं पूरा थीटा मान के चलूं
इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता था हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर थीटा इज टू थीटा इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज वॉट 90 प्लस 3 थीटा। ठीक है जी, अब प्लस माइनस को भी ओपन करना पड़ेगा हमें, एक बार प्लस में रखते हैं एक बार माइनस में, देखो अब इसको इधर लेके आओ, 2 थीटा माइनस 3 थीटा इज माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 एन पाई प्लस 90, या फिर 90 की जगह हम पाई बाय 2 भी कर सकते हैं यहां पे, सेम विद द केस यहां पे, ओके माइनस को उधर एडजस्ट कर दो, थीटा की वैल्यू आई माइनस ऑफ 2 एन पाई प्लस पाई बाय 2। लो जी यही पहला सॉल्यूशन, पहला जनरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, माइनस 3 थीटा इधर आके प्लस 3 थीटा व्हिच इज 5 थीटा, 2 एन पाई माइनस पाई बाय 2, तो थीटा कितना आया 2 एन पाई अपॉन 5 अप माइनस पाई बाय 10। लो तो ये दोनों ही मेरे आंसर्स होंगे। लो ठीक है जी, दिस इज मेथड 2। मेथड 2 में मैंने क्या किया, मैंने इन माइनस को एडजस्ट, या फिर मैंने क्या किया साइन को कॉस में चेंज किया, या तो कॉस को साइन में चेंज करो, तो मैंने साइन को कॉस में चेंज कर लिया। ऊपर से ये माइनस वाले फैक्टर का भी ध्यान रखना है, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने देखा कहां पे माइनस एडजस्ट हो सकता है, वो यहां पे हुआ, तो यहां पे मैंने इसको चेंज किया। उसके बाद तो भैया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा लगाया, अब दोनों साइड थीटा था तो मुझे थीटा तो एक ही बार चाहिए, तो मैंने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, प्लस माइनस को ओपन किया, थीटा को सॉल्व किया, थीटा की वैल्यूज निकाल ली इन टर्म्स ऑफ पाई एंड एन। ठीक है जी, सो ये होता है हमारा मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर द जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, ये पहला अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन 5। अब उसमें सॉल्यूशन 5 देखो जरा, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसमें मैं एक और काम करूंगा, देखो दो की जगह 3 हो गए, दो होते फिर भी टैकल कर लेता, माइनस को उधर ले जाता, किसी तरीके से एडजस्टमेंट करता, 3 का क्या करूं, वापस किया ना मैं, तो मुझे यहां पे हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टीज की या फिर आइडेंटिटीज की जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी थी। तो क्या करो, साइन 2 थीटा एंड साइन 6 थीटा इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, अप्लाई साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है वो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 साथ में साइन 4 थीटा एज इट इज। ठीक है जी, कितना बना मेरे पास, यह आया 4 थीटा, यहां पे आया माइनस 4 थीटा बाय 2 माइनस 2 थीटा, लेकिन कॉस है तो माइनस खा चुका है ये बचा, राइट साइन थीटा कॉमन निकाल लो, साइन 4 थीटा अंदर बचा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब या तो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 होगा, ये वाली चीज या तो 0 के इक्वल होगी या फिर ये वाली चीज 0 के इक्वल होगी, दोनों में से कोई भी इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, या तो पहली चीज 0 होगी या तो दूसरी चीज 0 होगी, लाइक दिस। अब साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन याद करो क्या होता था, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, राइट, बट थीटा हियर इज 4 थीटा इक्वल्स टू एन पाई, सो थीटा कम्स आउट टू बी एन पाई अपॉन 4। ये आ गया हमारा पहला सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, 2 cos 2 थीटा प्लस 1, तो 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, राइट। अब हाफ तो हमें पता है cos में कब होता है, 60 डिग्री पे, बट द प्रॉब्लम इज माइनस, तो क्वाड्रेंट पे चलते हैं, cos यहां पे भी पॉजिटिव है यहां पे भी पॉजिटिव है, ना तो फर्स्ट में जा सकता हूं ना तो फोर्थ में, अब या तो सेकंड में जाना है या तो थर्ड में, सेकंड में जाना आसान है, ये आ रहा था हमारा cos ऑफ 60 डिग्री, तो अगर मुझे सेकंड में जाना है 180 में से उसको माइनस कर दो,
आई रिपीट, मेरे पास आ रहा था अगर मैं माइनस को भूल जाऊं तो कॉस 60, पर माइनस को एडजस्ट करना है और मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता हूं मैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए एंगल 180 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 में से 60 माइनस कर दो कितना आया 120, 120 मतलब होता है 2 पाई बाय 3, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा बन चुका है मेरे पास, ये 2 पाई बाय 3 आई थिंक आप समझ चुके हो, मैंने 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया है, सो आई गेट 120। ओके, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा इज, इसका सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर दिस इज अल्फा एंड दिस इज कंसीडर्ड एज थीटा, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, ठीक है, 2 को नीचे ले जाओ, सो थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, साथ में नीचे 2 2 2 कैंसिल, थीटा की वैल्यू आई n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। लो जी, एक सॉल्यूशन ये आया हमारे पास और एक सॉल्यूशन ये आया। ओके जी, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि हम लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना शुरू किया है। प्लस वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, माइनस वाले में दिक्कत है, माइनस वाले के लिए आपको क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप क्वाड्रेंट की हेल्प लेना आपको समझ में आ गया क्वाड्रेंट में कैसे जाना है, तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो चीजें याद रखना, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है, तो एंगल जो भी आएगा पॉजिटिव वाले का उसका माइनस कर देना, जैसे 60 डिग्री आया था और मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो माइनस 60, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, बस, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम कुछ देखते हैं, हमारे पास दो तीन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस और हैं जो हमें याद रखने हैं, ये तो वही सिंपल टर्म्स। अगर स्क्वायर्स आ जाए, मान लो साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, उनको कैसे सॉल्व करना है, अब वो चीज देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू solutions for some general equations. अब जो general equations हमारे पास हैं, उसके अंदर scaling है। मतलब हमारे पास जैसे sin theta is equals to sin alpha होता था, इस बार squares हैं। मतलब अगर sin square theta is equals to sin square alpha हो जाए, तो उसके general solution क्या होंगे? ठीक है नहीं? इसी तरीके से अगर cos square theta is equals to cos square alpha हुआ, या फिर tan square theta is equals to tan square alpha हुआ, तो इनके general solution कैसे होते हैं? सर हम इसमें कोसेकेंट सेकेंट और कॉट को काउंट नहीं करेंगे। अगेन, अगर कोसेकेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर या फिर सेकेंट स्क्वायर आते हैं, उनको चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और टैन स्क्वायर में विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमें बस ध्यान रखना है इन तीन के बारे में, बाकी तीन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, तो एक अच्छी चीज क्या है, इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन होता है जो हमें याद रखना, ठीक है, और वो सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दीज थ्री स्क्वायर जनरल इक्वेशंस, ठीक है जी। थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यही हमें याद रखना है, ठीक है जी। तो बहुत आसान है, हम लोगों ने पहले बेसिक सॉल्यूशंस पढ़े थे, बेसिक सॉल्यूशंस के बाद हम लोगों ने स्टडी किया साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हुआ, कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल हुआ, टैन थीटा टैन अल्फा के इक्वल हुआ, तो क्या करना है, अब स्क्वायर्स के बारे में स्टडी कर लिया, बस दैट्स इट, हम यहीं तक रखेंगे, स्क्वायर से ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूब्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्वायर्स तक ही लिमिटेड रहेंगे, ठीक है जी। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हमने सीख तो लिया, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तीन क्वेश्चंस हमारे पास, लेट्स प्रैक्टिस। ओके, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लो जी, तो क्या करना है, माइनस 1 उधर ले जाओ, प्लस 1, 2 को नीचे ले जाओ, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, राइट। अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हाफ है, यहां पे कुछ ऐसा रखना है, अच्छा एक और काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हाफ है, तो हाफ को भी हमें किसी चीज का स्क्वायर कन्वर्ट करना है, लाइक दिस, ठीक है। मैंने स्क्वायर को जाके यहां पे रूट नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि यहां पे जाके प्लस माइनस दो सिंबल्स आते, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखा, 1 बाय 2 को लिख दिया 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहां भी स्क्वायर था,
ठीक। अब यहां पे कोई ऐसी चीज बनाओ जो साइन के अंदर 1/√2 दे, 1/√2 दे, तो वो होता है जी साइन ऑफ 45 डिग्री, मतलब साइन ऑफ π/4। लो ठीक है, तो ये मेरे पास रेडी हो चुका है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4, लाइक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, हियर थीटा इज एक्स, एन पाई प्लस माइनस, हियर अल्फा इज π/4। लो जी, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये थी सीखने वाली कि स्क्वायर को उधर जाके रूट नहीं बनाया, क्योंकि रूट बनाते वक्त दो साइन आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो हमने रूट नहीं करना, स्क्वायर को उधर नहीं लेके जाना, यहां पे स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है ताकि स्क्वायर की फॉर्म्स में हमारे पास इक्वेशन आ जाए और उसके जनरल सॉल्यूशन निकालने हमें आते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग स्क्वायर जनरल सॉल्यूशंस। ओके श्योर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा हम कैसे सॉल्व करेंगे। 7 cos² θ प्लस 3 sin² θ इक्वल्स टू 4। ओके, 7 cos² θ प्लस 3 sin² θ इक्वल्स टू 4। नाउ द प्रॉब्लम इज cos एंड sin दोनों नहीं रखने, या तो एक रखना है, या तो cos रखो या तो sin रखो। मैं sin को रखता हूं, तो मैं cos² θ को लिखता हूं 1 - sin² θ, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती थी, तो मैंने सबको चेंज कर लिया साइन थीटा में। इट बिकम 7 - 7 sin² θ प्लस 3 sin² θ इक्वल्स टू 4, राइट। ये बन गया 7 - 4 sin² θ इक्वल्स टू 4। 4 को इधर ले आओ, 7 - 4 = 3, और -4 sin² θ को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, इट बिकम्स 4 sin² θ। 4 को नीचे ले जाओ, इट बिकम्स 3/4 इक्वल्स टू sin² θ। अब स्क्वायर को उधर ले जाके रूट नहीं बनाना, इनफैक्ट 3/4 किसका स्क्वायर बन सकता है ये सोचेंगे, वो बनता है जी √3/2 का होल स्क्वायर। लो जी, ये बन गया sin² θ इक्वल्स टू sin² α टाइप्स। अब sin अल्फा √3/2 sin में कब होता है, 60 डिग्री, तो यहां पे लिख दो sin ऑफ π/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin² θ, मतलब sin² θ इज इक्वल्स टू ठीक है जी, तो बहुत इजी है, बस आप लोगों को ध्यान क्या करना है कि अगर यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करो ताकि उसका जनरल सॉल्यूशन हम यूज कर सकें। चलो, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर, देखते हैं वो कैसे डील करना है। 2 sin² θ प्लस sin² 2θ इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने पहले बोला था 2θ और थीटा में से एक रहेगा, तो 2θ को निकालते हैं, थीटा को लाते हैं, तो ये बना 2 sin² θ प्लस sin² 2θ को हम लिख सकते हैं 2 sin θ cos θ, पर ऊपर स्क्वायर भी था, ओके स्क्वायर एज इट इज साथ में। इसको ओपन करते हैं, मैंने साइन टू टू थीटा को लिखा था 2 sin θ cos θ, स्क्वायर एज इट इज बाहर आ गया। अब बना 2 sin² θ प्लस 4 sin² θ cos² θ इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन जो चीज है वो निकाल लो, 2 sin² θ कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 + 2 cos² θ, राइट, 2 कैंसिल। अब हमारे पास आ रहा है sin² θ इंटू 1 + 2 इक्वल्स टू 1। ओके, अब cos² θ को चेंज कर लेते हैं sin² θ के टर्म्स में, 1 + 2 1 - sin² θ, अंदर सॉल्व करते हैं क्या मिला हमें, ब्रैकेट ओपन करोगे 2 1 + 2 + 1 - 2 sin² θ, ओपन ब्रैकेट 3 sin² θ माइनस 2 sin² θ इज इक्वल्स टू 1। इसको सबको उधर ले जाओ, 0 = 2 sin² θ माइनस 3 sin² θ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लो जी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है।
स्पेशल बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। स्पेशल बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे टी फिल कर दो, ठीक है। क्या बन गई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ये साइन फोर थीटा, ये बन जाएगा टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस, ठीक है जी। इसके बाद इसकी करनी है आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग, आई होप सबको आती है मिडल टर्म स्प्लिट करनी। तो जब आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपको मिलेगा दैट विल टू टी माइनस वन साथ में टी माइनस वन, ठीक है जी। अब या तो टू टी माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखना है या फिर टी माइनस वन इक्वल टू, ओके। अब टी की जगह वापस फिल कर दो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह यहां भी और यहां, ठीक। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो या फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, राइट। पहले इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, वन के। अब वन को हम किसी चीज का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी वन का ही, और वन किसका बनता है साइन के अंदर, साइन 90 मतलब साइन ऑफ पाई बाय टू। लो जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा टाइप्स बन गया है, दिस इज अल्फा, राइट। Now solution will be theta equals to n pi plus minus alpha, where alpha is pi by 2. लो जी अब चलते हैं पहले वाले पे, 2 sin square theta minus 1 है उसको उधर ले जाओ, 1 बन गया, 2 को नीचे ले जाओ, sin square theta equals to half, तो half किस चीज का स्क्वायर होता है, 1 by root 2, ठीक है। 1 by root 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 मतलब पाई बाय 4। मैंने साइन ही क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट में साइन था तो राइट में भी साइन ही चाहिए, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा अगेन, तो सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 4। लो जी सो मेरा फाइनल आंसर होगा ये बोलो, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग द स्क्वायर जनरल सॉल्यूशंस, मतलब अगर स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाए और उसके जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो यू शुड नो कि इनके जनरल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, तो उनको यूज करके हम लोगों ने तीन क्वेश्चंस सॉल्व किए, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आई, बस जी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमारे पास यही पांच छह चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, कॉस थीटा जीरो, टैन थीटा जीरो, कोसेकेंट सेकेंट जीरो कभी होते ही नहीं है, और कॉट थीटा इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा। बाकी तीन अगर आ गए तो उनको चेंज कर लेना है बाय यूजिंग रेसिप्रोकल, राइट। एंड द लास्ट वन इज अगर स्क्वायर्स में आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा। तो आपको यही जनरल सॉल्यूशंस याद, ठीक है जी। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसके और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल क्लोज विद दिस टॉपिक, ठीक है जी। तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अब आगे कैसे स्टार्ट करना है, आई विल सेंड यू द वर्कशीट हाउ टू स्टार्ट विद इट। फिलहाल के लिए इसको अच्छे से समझो, ट्राई करना कि जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक कॉपी में किए हैं खुद से कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, देन वी विल स्टार्ट विद द वर्कशीट, ओके, with more practice questions, okay, chalo let's continue with the next class, okay, bye bye।